सारी जानकारी को साझा करने के लिए बने रहिए, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। अगली खबर भोपाल से है, जहां पर आज से शुरू होने जा रहा है खजुराहो नृत्य महोत्सव। तबला वादन के बाद मध्य प्रदेश में कथक नृत्य में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट खजुराहो में ये रिकॉर्ड बनेगा। बिल्कुल, 1500 से ज्यादा नृतक जब एक ही समय प्रस्तुति देंगे तो नजारा कुछ अलग ही होगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ ही वो नजारा भी देखने लायक होगा जब एक साथ इतने डांसर्स अपने प्रतिभा का जौहर मनवाते दिखाई देंगे। कथक महाकुंभ का आयोजन होगा। सीएम मोहन यादव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। 26 फरवरी तक खजुराहो नृत्य महोत्सव चलेगा। देश विदेश के सैकड़ों कलाकार इसमें शामिल होंगे। आज से खजुराहो नृत्य महोत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है। 26 फरवरी तक ये चलेगा। देश विदेश से सैकड़ों कलाकार इसमें शामिल हैं। नीलम मेरे सहयोगी बनी हुई है। नीलम, इस बार के खजुराहो नृत्य महोत्सव में क्या रहेगा खास? जी देखिए, इस बार का खजुराहो नृत्य महोत्सव बेहद खास है, क्योंकि इस बार का जो ये फेस्टिवल होने जा रहा है ये अपना 50वां संस्करण मनाएगा। और इस 50वें संस्करण को लेकर के मध्य प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति विभाग ने कई बड़ी तैयारियां की है। सबसे खास बात यह है कि आज जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा कथक में। करीब 1500 से ज़्यादा कलाकार जो है एक ही मंच पर खड़े होकर के प्रस्तुति देंगे। खजुराहो के परिसर में जो है 1500 से ज़्यादा कलाकार अलग अलग स्थल पर मौजूद रहेंगे, ताकि जो है एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सके। इसके पहले हमने देखा था कि ग्वालियर में तानसेन महोत्सव के दौरान तबला वादन में जो है मध्य प्रदेश ने एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था, और अब जो है कथक में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने की पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। कई दिनों से तमाम जो नृतक हैं वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि आज के दिन के लिए पूरी तरह से वो तैयार रहे। कार्यक्रम की शुरुआत की हम बात करें तो आज शाम 4:30 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें सीएम मोहन यादव भी शामिल होंगे। साथ ही साथ खजुराहो के जो सांसद हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश के पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी भी शामिल रहेंगे। इसके अलावा कई बड़े कलाकार जो हैं इस फेस्टिवल में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, जिनमें कई पद्मश्री हैं, कई पद्म भूषण हैं। और 26 फरवरी तक जो है ये फेस्टिवल चलने जा रहा है, जिसमें रोजाना शाम 6:30 बजे से जो है अलग अलग नृतक अपनी प्रस्तुति देते हुए नजर आएंगे। और जाहिर तौर पर अगर मध्य प्रदेश आज ये रिकॉर्ड बना लेता है तो प्रदेश के लिए गौरव का क्षण होगा, कि पहले दीपोत्सव में जो है मध्य प्रदेश ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था उज्जैन में, उसके बाद ग्वालियर में तबला वादन को, और अब कथक को लेकर के एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड मध्य प्रदेश कायम करने वाला है। जी बिल्कुल, 1500 से ज्यादा जो नृतक हैं एक साथ अपनी प्रस्तुति नीलम देंगे। लेकिन इसके अलावा हर साल खजुराहो महोत्सव होता है, महोत्सव में की खास बात क्या है, किस थीम पर इस बार ये महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, इसमें जो सैलानी आते हैं उनकी पहली पसंद क्या होती है? जी देखिए, बिल्कुल, खजुराहो जो है सैलानियों के वैसे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद रहा है हमेशा से ही, क्योंकि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को ने उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो है दर्जा दिया हुआ है। यहाँ के जो मंदिर हैं वो सैलानियों के लिए जो है खासा आकर्षण का केंद्र रहते हैं। और जब खजुराहो डांस फेस्टिवल होता है तो इन मंदिर परिसरों की जो छटा है वो कुछ अलग ही निखर कर आती है। यहाँ विदेशों से भी बड़ी संख्या में जो है फेस्टिवल को देखने के लिए विदेशी सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं। और अगर हम इस बार की बात करें तो अलग अलग देशों के जो एम्बेसडर हैं उन्हें भी खास तौर पर आमंत्रित किया गया है, ताकि वो आए, खजुराहो घूमें, खजुराहो डांस फेस्टिवल का जो है लुफ्त उठाएं, और साथ ही साथ अपने देशों में इसका प्रचार प्रसार भी करें, ताकि मध्य प्रदेश के पर्यटन को, देश के पर्यटन को जो है एक नया कहना चाहिए, एक नया दिशा मिले। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश लगातार अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए पर्यटन के क्षेत्र में ध्यान दे रहा है, उसी कड़ी में जो है खजुराहो के 50वें डांस फेस्टिवल को एक बड़े स्तर पर मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। 26 फरवरी को लेकर भी मध्य प्रदेश में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है।